वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से काम है जिनको करने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होता है, राइट। वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो इनमें से अगर आप कोई भी काम करते हो तो उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है। फर्स्ट वन इज प्लेजरिज्म, सेकेंड इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, थर्ड इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। तो इसको वन बाय वन आप समझेंगे। First one is plagiarism. With the availability of the internet, we can instantly copy or share text, picture and videos, right? आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, सबके पास इंटरनेट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी डेटा चाहिए उसको सिंपली क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, वीडियोस चाहिए, सब इंटरनेट से उठा के उसको यूज़ करते हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों को होमवर्क मिलता है, मान लो किसी टॉपिक पे होमवर्क मिल गया, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर उनको डिटेल्स या कुछ लिखना है, तो क्या करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर वहाँ से लेंगे, जितना भी उनका डेटा मॉन्यूमेंट्स का डेटा है वहाँ से लेंगे। वो अपनी खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं, तो क्या करते हैं, पूरा डेटा इंटरनेट से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्लेजरिज्म कर रहे हैं, राइट। देखो, प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ऑन आइडिया और वर्क इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, राइट। जब आप किसी और के आइडिया या किसी और के काम को अपना आइडिया या अपना काम बनाकर प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो वो प्लेजरिज्म होता है, राइट। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट से कुछ भी कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि जो हमने जो कंटेंट लिया है उसका सोर्स क्या है या उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, किसने वो डेटा क्रिएट किया है, देन इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है। तो ये क्या कंसीडर होता है, ये प्लेजरिज्म कंसीडर किया जाता है, राइट। जैसे जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको इन द एंड मेंशन करना होता है कि आपने किस किस वेबसाइट से इस प्रोजेक्ट में हेल्प ली है, राइट। तो उस केस में तो ये प्लेजरिज्म नहीं होगा, बट अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म, ओके। If someone drives an idea or a product from an already existing idea or product, but instead present it as a new idea, then also it is a plagiarism, right? अगर किसी ने क्या किया, किसी और के आइडिया से अपना आइडिया क्रिएट किया, मतलब किसी और का आइडिया सुना, देखा और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का एक नया आइडिया बना लिया, ठीक है। ऐसे किसी और का प्रोडक्ट देखा और उसकी ही सेम कॉपी बना ली, ठीक है, उस प्रोडक्ट की ही सेम कॉपी बना ली और उसको, उस आइडिया को या उस प्रोडक्ट को एज अ न्यू आइडिया, एज अ न्यू प्रोडक्ट अगर उसने प्रेजेंट किया, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी क्या है, ये भी प्लेजरिज्म है, फाइन। क्योंकि वो कहाँ से कर रहा है, वो आइडिया भी उसने कहीं और से ड्राइव किया है, वो प्रोडक्ट भी उसने कहीं और से लिया है, मतलब उस प्रोडक्ट का जो भी आइडिया है वो भी उसने कहीं और से लिया है, राइट। अगर वो उसको एज अ न्यू आइडिया या न्यू प्रोडक्ट बता के प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या है, प्लेजरिज्म है, ओके। इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस, तो ये क्या है, एक सीरियस एथिकल ऑफेंस है, ये एक मॉरल ऑफेंस है। एंड समटाइम्स कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड, और इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड भी माना जाता है, मतलब इसको फ्रॉड भी माना जाता है, ठीक है। इवन इफ वी टेक कंटेंट्स दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज, अगर आप उस कंटेंट को भी ले रहे हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तब भी आपको, अगर आप जो डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो फ्रीली अवेलेबल है कि इट इज़ फॉर द पब्लिक यूज़, उस डेटा को भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तब भी आपको साइट करना चाहिए, मतलब मेंशन करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेटा का ऑथर कौन है, राइट, या फिर इसका सोर्स क्या है, कौन वेबसाइट से आपने लिया है, टू अवॉइड प्लेजरिज्म, जिससे कि प्लेजरिज्म ना हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ओके। आपको पता है कॉपीराइट्स कब मिलते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के ओरिजिनल वर्क के लिए, इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए कॉपीराइट्स दिए जाते हैं, राइट। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग क्या है, जब कॉपीराइट्स का हनन होता है, मतलब उनका उल्लंघन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सनस वर्क, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का काम यूज कर रहे हैं विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज, और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड, राइट। तो आपने क्या किया, किसी भी व्यक्ति का, किसी दूसरे पर्सन का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज किया, उन्हें उनकी परमिशन लिए बगैर, ओके, या फिर अगर वो चाहते हैं कि उनका मटेरियल यूज़ तो हो पर आप उसके लिए कुछ अमाउंट पे करें लेकिन आपने अमाउंट भी पे नहीं किया, जैसे क्या होता है कॉपीराइट, जैसे आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स क्या है, रियल सॉफ्टवेयर्स की कॉपी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ आप कॉपी जो पायरेटेड विंडोज़ अगर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो तो ये क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। ओके, आप उस कंपनी की उस कंपनी के कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना परमिशन के, बिना उसका अमाउंट पे किए हुए यूज़ कर रहे हो। ओके, सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आपने मान लो एक इमेज को इंटरनेट से डाउनलोड किया एंड यूज़ इट इन योर प्रोजेक्ट, और आपने उस इमेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया। बट इफ़ द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूसेज, लेकिन जो जिसकी इमेज है वो उसने इसकी फ्री यूसेज का परमिशन नहीं दिया हुआ है, देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिवन रेफरेंस ऑफ द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। समझो इसको, आपने क्या किया, इंटरनेट से इमेज को डाउनलोड किया और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया। ओके, और यहाँ पे ये इमेज क्या है, कॉपीराइटेड है। जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको क्रिएट किया है, उसने इसके फ्री यूसेज को के लिए परमिशन नहीं दी हुई है। अगर आप उसको यूज़ करने के बाद रेफरेंस भी देते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से लिए ये इमेज, या इस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू मुझे ये इमेज मिली है, ये इस पर्टिकुलर पर्सन का वर्क है, तब भी ये क्या होगा, वायलेशन होगा कॉपीराइट का, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनर है वो इसका फ्री यूसेज नहीं चाहता, राइट। या तो वो कुछ अमाउंट इसके बदले में आप उसको पे करो, या फिर वो चाहता ही नहीं है कि आप उसके प्रोडक्ट को या उसकी चीज़ों को आप ऐसे ही यूज़ करो। जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन डैट इट इज़ फ्री फॉर यूज़। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेट पे अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस होती है जिसके नीचे कॉपीराइट लिखा होता है। ओके, वीडियोस होती है जिसके नीचे कॉपीराइट मटेरियल लिखा होता है, तो आप उनको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर गिविंग द रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस भी दे रहे हैं तब भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर उन्होंने फ्री यूसेज की परमिशन नहीं दी है। ओके, हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ द राइटर्स वर्क। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉपीराइट स्टेटस देखना चाहिए, कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो डाउनलोड करने से पहले, बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, जिससे कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। ट्रेडमार्क सिंबल्स हो सकते हैं, पिक्चर्स, टैक्स, स्लोगन्स। ट्रेडमार्क की हेल्प से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग अलग कंपनीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, राइट। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग स्लोगन्स होते हैं, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सिंबल्स अलग अलग हैं, तो इसके सिंबल्स की हेल्प से आप एक पार्टी को दूसरी पार्टी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऐसे अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, राइट। आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, जितने भी स्कूल्स होते हैं उनका एक अलग ट्रेडमार्क होता है, उनकी अलग एक इमेज होती है। जैसे बच्चों की टाई पर, बेल्ट पर एक अलग सिंबल बना होता है, जिससे क्या होता है एक स्कूल को दूसरे स्कूल से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, राइट। तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है, जब आप ट्रेडमार्क किसी और कंपनी के ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे लगाकर यूज़ करो तो वो क्या होगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होगा, ठीक है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ अदर्स ट्रेडमार्क ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या है, जब आप किसी और के ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर लगाकर यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी और के सिंबल्स या स्लोगन या इमेज को आप अपने प्रोडक्ट्स पर यूज कर रहे हो। An owner of the trademark may commence legal proceedings against someone who infringes its registered trademark। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क का ऑनर कमेंस कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन, उसके अगेंस्ट जिसने उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है, उसको इल्लीगली यूज़ किया है। ओके एवरीवन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.